अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलामु अलैकुम। रोशनी के माँ बनने की खबर जैसे ही घर में आती है सफिया बेगम खुश हो जाती है। चलो, रोशनी का कांटा तो रानिया की ज़िंदगी से निकला और वो उम्र का इंतज़ार करने लग जाती है। सिर्फ रियान की माँ को पता चलता है कि ये उम्र का बच्चा नहीं है, लेकिन वो भी मसलतन चुप रहती है। जब तक उम्र सामने नहीं आता ये बात साफ नहीं होगी। चुनाचा सब मिलकर उम्र को ढूंढने लग जाते हैं। उम्र जैसे ही उनको मिलता है उसे पता चलता है कि रोशनी माँ बनने वाली है। उसके हाथ में एक और बात आ जाती है चौधरी हशमत से बदला लेने की। वो कहता है, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसे तलाक दे चुका हूँ। और यूँ रोशनी की तलाक की बात की तस्दीक हो जाएगी। अब सबके जहन में ये सवाल होगा कि अगर ये उम्र का बच्चा नहीं है तो फिर आखिर किसका है। तब रियान अपनी ज़बान खोलेगा कि चाची ने मरते वक्त मेरा और रोशनी का निकाह कर दिया था, तब से ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है। ये सुनकर रानिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।